पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते शिवपुरी स्मैक के नशे का नया गढ़ बन गया है। शिवपुरी को स्मैक के नशे से बचाने के लिए बीजेपी विधायक वीरेन रघुवंशी ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने इस मामले पर सभी अधिकारियों से बात की है और नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने को कहा है। उन्होंने किल कोरोना की तर्ज पर किल स्मैक मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक वीरेन रघुवंशी ने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसपी राजेश सिंह चंदेल से कहा कि शिवपुरी में स्मैक का कारोबार चरम पर है। निचली बस्तियां, मध्यम वर्गीय परिवार के युवा इस नशे की लत का शिकार होकर अपराध जगत में जाने से संकोच नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवपुरी में अपराध के बढ़ते ग्राफ के पीछे नशा हावी हो रहा है। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में स्मैक का कारोबार चरम पर है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी बड़ी कड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस शब्द जब आपने कहा है तो मैं मीडिया के सामने भी ये बात कहना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ, ये आरोप नहीं है, ये प्रमाणित है मामला। पिछले 1.5 वर्ष पहले जब इस विषय को आप हमने उठाया था तो मुझे कहते हुए संकोच भी है कि उस समय हमारे कई पुलिस कांस्टेबल भी कई थानों के उसमें इन्वॉल्व थे और थानों से ही इसमें की सप्लाई कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस के हमारे वर्तमान आईजी जो थे उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टा पाए जाने पर सस्पेंड भी किया था। शिवपुरी जिले में स्मैक का कारोबार चरम पर है। स्मैक के नशे ने कई लोगों की जिंदगियां निगल ली हैं। स्मैक का नशा करने वाले कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस का सोते रहना ये जाहिर करता है नशे के कारोबारी या तो ऊंची पहुंच रखते हैं या उनकी पुलिस से मिली भगत है। ऐसे में कोलारस विधायक ने स्मैक का कारोबार और नशा करने वालों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें मीडिया जगत के वे चेहरे भी शामिल रहे जो सदैव सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन के सामने स्मैक के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। देखिए, आपके जिले में नशा मुक्ति को लेकर के कुछ समय पहले बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें माननीय विधायक जी और शहर के ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य लोग मीडिया के साथ में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संभव वो कंटिन्यू नहीं हो सका क्योंकि कोरोना का वजह था और शायद कई चीजें रहती तो बीच बीच में आती रहती हैं, वो आई होंगी, तो उसी के संदर्भ में उसको फिर से आगे बढ़ाने की बात आई है। माननीय विधायक ने आने हैं, उन्होंने एक दोनों चीजों पर बात की है। कोरोना में जो पुलिस और अपने राष्ट्रीय कर्मचारियों ने काम किया है काफी अच्छा किया है और उसमें भी उनका लगातार सहयोग जन जागरण में और लोगों को बताने में कि वैक्सीनेशन कराएं, ये सब चीजें कराएं और टाइम से अपना ट्रीटमेंट कराएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।